तो किसान भाई हम लोग आए हैं ये सर के घर में जो अभी कुछ समय से ही मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल पूछते हैं कि कैसे व्यवसाय करते हैं, इनमें क्या क्या खर्चा आते हैं, कौन सी नस्ल के मुर्गी पालन किए हैं, साथ में यहाँ महीने में कितने रुपए कमाते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल लेते हैं। तो राम राम सर। जय राम भैया। तो सर आप ये मुर्गी पालन जो कर रहे हैं तो आपको ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कितने वर्षों से मतलब ये मुर्गी पालन का काम आप कर रहे हैं? मैं ये तो 5-7 साल से मुर्गी के पालन का काम कर रहा हूँ। किसी इसको व्यवसाय में ले लिया। अच्छा। व्यवसाय में लेने के बाद इसका बेनिफिट के बारे में मुझे पता चला, चलता गया इसका कार्य अच्छा से करता गया, फिर कुछ लाभ मुझे मिलते गए किसी विज्ञान केंद्र से, जनपद से, जिला से, कुछ मिलते गए। फिर इसको मैं व्यवसाय में लेके इसका मुर्गी का अंडा निकालना चालू किया, उसके बाद बच्चा निकालना चालू कर दिया। अब इसको आसपास के 4-5 जिले में बच्चा सप्लाई काम करता हूँ। तो सर आप अपने घर में ही इसका मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपने मतलब ये मतलब जो शेड बनाया है वो कितनी जगह में मतलब इसको बनाया है, इसको बनाने में कितना कॉस्टिंग आया आपको? ये तो एकदम देसी जुगाड़ का सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 20-25 हज़ार में बन गया है मेरा। 12x20 का है रूम, इसी में अभी 200-300 मुर्गी पालता हूँ। बाकी उस छत के ऊपर में भी सेट बनाया हूँ, जितना भी रूम खाली पड़े हैं घर में उसमें सब मैं कोई किसी में बच्चा किसी में मिड पर्पज के लिए रखा हूँ। एनी टाइम 500 से 600 मुर्गी एनी टाइम रहता है मेरे पास। तो सर से पूछते हैं कि अभी मतलब जितनी भी आप मुर्गी पाले हो वो कौन सी नस्ल के मुर्गी है? आप मतलब ब्रायलर मुर्गी भी पालते हो कि लेयर मुर्गी पालते हो? साथ ही आपको मतलब जो करते हो उसमें खर्च कितना आ जाता है सर आपको? मैं अभी मेरे पास वही 400 मुर्गी के आस पास है मुर्गी। मैं पूरा अंडे के लिए करता हूँ, बॉयलर तो नहीं पालता मैं। देसी मुर्गी है सोनाली की, सोनाली कड़कनाथ हमारा राजा ही का काम ही करता हूँ मैं तीनों मुर्गी के, बॉयलर का तो नहीं करता। पर इसमें तो डेली के खर्चे में वही 200-250 का दाना खा जाता है, एक टन दाना देता है। फिर घर का बच्चा खोजा कोढ़ा दाना कुछ भाजी पाला ला के खिला देते हैं, इससे हो जाता है। ऐसे नहीं रिगुलर दाना में ही रखो, घर का कुछ बच गया कोढ़ा कनकी कोढ़ा गेहूं बच गया चावल बच गया उसको भी खिला के आसानी से कर सकते हो। तो किसानों देख सकते हैं आप लोग, सर ने बताया कि मतलब आप इसमें एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं होता, इसमें आप घर में एक छोटा सा शेड बना सकते हो जिसमें मतलब अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब वो कॉस्टिंग नहीं आता। साथ ही सर बता रहे हैं कि मतलब इसमें जो घर में जो मतलब खाना का बच जाता है उसको खिला देते हैं, जिससे कि फीडिंग का खर्चा भी थोड़ा बहुत बच जाता है। तो सर आप मतलब घर में कितने मुर्गी पाले हैं? मेरे पास बड़ा छोटा सा ही 400 मुर्गी है अभी। अच्छा। 400-500 ही टाइम रहते हैं मुर्गी। अच्छा। तो सर मतलब जैसे कि अभी 400-500 पाले हैं, अगर हम लोग अगर एक छोटे रूप में देखें तो अगर मतलब एक जो मुर्गी होता है उसका जीवन काल देखते हैं मतलब शुरू से लेकर मतलब बड़े होने तक, तो उसमें लगभग आपको कितना खर्चा आ जाता है एक मुर्गी के लिए? आपको मिड पर्पज के लिए करो तो एक मुर्गी में 110 रुपये 100 से 120 रुपये खर्चा आता है दाने का। और इसको अंडा के लिए अगर जाओ तो 200-220 रुपये तक के खर्चा आ जाता है अंडे के लिए। अच्छा। और उससे अंडे में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, अंडा बहुत ज़्यादा देता है, 200 के ऊपर अंडा देता है एक मुर्गी। तो सर मतलब जैसे इसको बेचते हैं आप तो इसके लिए मतलब मार्केट कहाँ तैयार किए हैं आप? मतलब कोई कर रहे हैं किसान भाई तो कैसे एक मार्केट तैयार कर रहे हैं? शुरू में कोई भी काम करो तो थोड़ा थोड़ा मार्केट का दिक्कत आता ही है, जब तक जान पहचान नहीं होगा तब तक मार्केट को दिक्कत आता है। मेरे को तो सब आस पास के सभी लोग जानते हैं तो मार्केट की दिक्कत में तो कहीं नहीं जाता, मैं घर बैठे बैठे ही सब बेच लेता हूँ। तो सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सर मतलब जो मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मौसम परिवर्तन के साथ इसमें बहुत सारी बीमारी, बहुत सारा टीकाकरण ये सब लगता है, तो आप इसके लिए मतलब कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं? खुद नहीं करते नहीं, ये सब टीकाकरण वैक्सीन वगैरह खुद से कर लेते हैं। तो हर 3 महीने में वो ये R2B का इंजेक्शन आता है उसको लगा देते हैं, फिर रानी खेत वगैरह आने का कोई दिक्कत नहीं रहता। और सर्दी नॉर्मल सी बात है, जैसे ही मौसम चेंज हो सर्दी खांसी आएगा फिर उसको दवाई लाते हैं हम लोग, एंटीजोल सिरप और नियोडॉक्स है तो ये सब पिला के ठीक कर देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब मुर्गी पालन तो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ हमें शिक्षित भी होना चाहिए कि कौन से समय किस टीका का हमें मतलब उसका करना है, उपयोग करना है। इसमें बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं जिसका अगर समय पे हम लोग उपचार ना करें तो इसमें मतलब घाटा का भी सौदा हो सकता है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा ही हो। तो हमें इसमें हमेशा जागरूक होना पड़ता है, समय समय में इसमें टीकाकरण देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई जो क्वेश्चन का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन सर से मतलब करते हैं कि आप लोगों के मन में सवाल होगा कि जैसे कि घर में कर रहे हैं तो ये मतलब जैसे कि आप लोगों को शुरू में ही बताया कि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा आमदनी कमा सकते हैं, तो सर से पूछते हैं कि हम लोग मतलब खेती तो करते ही हैं तो इसमें हम लोग पर मंथ कितने रुपए मतलब एक्स्ट्रा कमा सकते हैं? तो सर से पूछते हैं, तो सर जैसे कि आपने बताया कि 400 मुर्गी पाले हैं, अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें तो आपको पर मंथ कितना रुपये मतलब इनकम की वो हो सकता है सर?
मैं तो ये 400 मुर्गी तो पाला हूँ, पर 200 मुर्गी तो मेरे अंडे के लिए है, उसको तो बेचता नहीं मैं, अंडे में बच्चे निकाल कर वो करता हूँ। पर भी मैं तो अलग से तो खेती किसानी मछली का काम करता हूँ, पर मुर्गी पालन मेरा पार्ट टाइम काम है, सुबह शाम देखो और बाकी समय रहने तो दाना पानी दे दो। पर मैं मुर्गी से 15 से 20 हज़ार तो महीना बैठे बैठे घर बैठे कमा ही लेता हूँ। तो देखिए किसान भाई सर ने बताया कि मैंने शुरू में ही बताया था कि एक एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास जो टाइम है उस पर हम लोग करके एक्स्ट्रा आमदनी कमा सकते हैं। सर ने बताया कि अपना तो खुद का खेती करती ही हैं, साथ ही घर बैठे पर मंथ 15 से 20 हज़ार कमा भी लेते हैं। इस प्रकार से यदि आप भी मतलब मन में अगर स्वेच्छा है तो कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है ना सर? करते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मतलब वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग पर मंथ मतलब एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, आशा है कि आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसे और भी किसान भाइयों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने किसानी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम का साधन बना सकें। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो राम राम।